हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक पॉइंट एंड ट्रिक के साथ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ पी प्रोपोर्शन, इफ पी रेशियो क्यू, दे रखा है 8:15 एंड क्यू रेशियो आर है 3:2। फाइंड कीजिए पी रेशियो क्यू रेशियो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले आप लिखो पी रेशियो क्यू रेशियो आर। आपको गिवन है पी रेशियो क्यू 8:15, तो पी के सामने आपने लिख दिया 8 और क्यू में आपने लिख दिया 15। अब ये आर गैप से खाली है तो इसके साथ 15 के साइड है, तो यहां भी आप 15 लिखो। नेक्स्ट क्यू रेशियो आर 3:2 है, तो क्यू के सामने आप लिखो 3 एंड आर के सामने लिख दो 2। अब ये खाली है इस साइड, तो ये 3 साइड है, तो आप 3 लिखो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 15 3 जा 45 एंड 15 2 जा 30। अगर ये कैंसिल होता है तो इसको काट दो, 3 8 जा 24, 3 से आप काटोगे 15, ये आ जाएगा 10। अब ये नहीं कटेगा, हमारा राइट आंसर आ गया 8:15:10। अब आप ऑप्शन में देखो 8:15:10 सी है, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो कैसा भी क्वेश्चन हो रेशियो का, आप ये ट्रिक का यूज कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 2। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इफ पी रेशियो क्यू 8:15, क्यू रेशियो आर 5:8, आर रेशियो 4:5, कह रहा फाइंड कीजिए पी रेशियो। ऐसे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि रिलेशन है पी क्यू आर एस, तो सबसे पहले आप लिख लो पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस। पी रेशियो क्यू 8:15 है, तो आपने यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 15। अब ये खाली है तो यहाँ भी आप लिखो 15 और यहाँ भी लिखो 15। नेक्स्ट क्यू रेशियो आर 5:8 है, तो क्यू आर 5:8 है, तो यहाँ लिखो 5, यहाँ लिख दो 8, और ये भी आपका 5 है और ये भी आपका 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे आर रेशियो एस 4:5, तो R और S का 4:5 है, तो ये 4 आ जाएगा और ये 5। यहाँ खाली है तो 4 लिख दो, ये खाली है 4 लिख। अब क्या होगा, 8 5 जा 40, 40 4 जा क्या होता है 160। अगेन 5 4 जा 20, 20 को 15 से करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 300। अगेन आप देखोगे 15 4 जा 60, 68 जा क्या आ जाएगा, 480। फिर आप देखोगे 5 8 जा 40, 40 को 15 से करोगे 15 4 जा 60, ये आ जाएगा आपका 600। अब आप देखोगे दिस 0 0 0 कैंसिल। पूछा क्या गया आपसे पी रेशियो एस, तो आप यहाँ लिख दो पी रेशियो एस। पी क्या है आपका 16 और एस क्या है आपका 60। अब आप देखो ये कट रहा किससे, 4 4 जा 16 होता है और 15 4 जा 4 1 जा 4 4:15, तो आप देखोगे 4:15 क्या है, ए। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ए बिल्कुल करेक्ट। एक बार दोबारा देख लो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है पी रेशियो क्यू 8:15 है, क्यू रेशियो आर 5:8 है, आर रेशियो 4:5 है, पूछा गया फाइंड पी, तो सबसे पहला काम है पी क्यू R और S में रिलेशन, तो P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S लिखो। PQ 8:15 है, तो 8:15 लिख दिया। अब आप देखोगे कि ये 15 की तरफ खाली है, गैप्स हैं, तो 15 15 डाल। अगेन दूसरा Q रेशियो R दे रखा है 5:8, तो यहाँ 5 लिखो और इस साइड 8 लिखो। अगेन आपको R रेशियो 4:5, तो R S 4:5 है, तो यहाँ 4 4 लिखो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर कोई कैंसिल कॉमन है तो उसको कैंसिल आउट करो। फिर जिसका रेशियो निकालना, P और S निकालना है, तो ओनली P और S को लिख के आप सॉल्व करो, यही आपका राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 416 एंड 7। कह रहा है कि 416 7 के फोर्थ प्रोपोर्शनल बताएं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो किसी आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली बुक्स में आपके फॉर्मूले दिए होते हैं, इस फॉर्मूले की हमें जरूरत, डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, फोर्थ बोला गया है तो आप मान लीजिए 4 है, 16 है, 7 और फोर्थ को आप एक्स मान। ये प्रोपोर्शन है, डेट मीन 4 और 16 का जो रिलेशन है, जो अनुरेशन है, सेम रिलेशन किसका होगा, 7 और x का। अब इसको सॉल्व कर दो तो आप जानते हो 4 जा 16 तो x क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 28। तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 30। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड प्रोपोर्शन है तो सेम काम करो। सबसे पहले आपने 15 लिख दिया, 30 लिख दिया और थर्ड प्रोपोर्शन आपने x ले लिया। अब ये थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब जो रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का है, सेम रिलेशन सेकेंड और थर्ड का होगा, दैट मींस 15 30 सर प्रोपोर्शन। तो क्या होगा, 15 अपॉन में 30, दिस इक्वल टू क्या होगा, 30 अपॉन x। किसी फॉर्मूले को याद करने की हमें जरूरत नहीं, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, क्रॉस करोगे x क्या आ जाएगा, 30 इंटू 2 दैट इज 60। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 60, 60 इज करेक्ट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, दिस इज बेसिक पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 64। 9 एंड 64 का मीन प्रोपोर्शन है, फिर सेम काम करो, मीन मतलब है मिडिल। तो आपने ले लिया 9, x एंड 64 आर इन प्रोपोर्शन, तो क्या होगा, 9 और x का रिलेशन 9/x, x एंड 64 का x अपॉन 64। अब क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 इंटू 64। तो x निकालोगे तो रूट के अंदर आएगा आपका 9 इंटू 64। आप जानते हो 9 का होता है 3 और 64 का 8, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 24। तो आपका ऐसा ऑप्शन है बी, बी इज करेक्ट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप बेहिचक विदाउट एनी फॉर्मूले के इस कंसेप्ट से आप बना सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो। याद रखो व्हाट इज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब है कि अगर कोई भी रेशियो दिया गया, सपोज करो कि आपको दिया गया ए रेशियो बी, तो क्या होगा डुप्लीकेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ 2:7 है। तो याद रखिए इसका डुप्लीकेट रेशियो अगर आपको पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a² और रेशियो में आ जाएगा आपका 7a², तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये होता है 49। तो आपका राइट आंसर आ गया 4:49 जो दिया गया आपको ए ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है डुप्लीकेट रेशियो, तो जस्ट आप क्या करो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ रेशियोज, यानी कि दोनों रेशियो को आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, आपका आंसर राइट आएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो 81 एंड 64। अब ये कहानी है सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब है कोई भी रेशियो दिया हो, तो सब डुप्लीकेट रेशियो अगर आपको निकालना है तो ट्रिक क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 और 64 का 8, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9:8, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो याद रखो सब डुप्लीकेट यानी स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो। अगेन फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट का मतलब है क्यूब, यानी उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो 7:5 का अगर आपको निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिक क्या कहता है कि आप इसको लिखिए 7 का क्यूब और रेशियो आ जाएगा आपका 5 के। तो आप जानते हैं 7 का क्यूब, 7 जा 49, 49 को फिर अगेन 7 से करोगे तो 7 9 जा 63 कैरी हो जाएगा आपका 6 और 7 4 जा 28 और 6 होता है 34, तो 343 आ गया। 5 का क्यूब आप जानते हो 125, तो राइट आंसर क्या है, 343 रेशियो
1 to 5, यानी बी ऑप्शन आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, क्यूबिंग ऑफ द रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब है वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ रेशियो। जो भी रेशियो दिया गया उसका आप क्या करोगे, क्यूब रूट। तो आपको दिया गया 512, क्यूब रूट ऑफ 512 एंड क्यूब रूट किसका आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 729। तो आप जानते हैं 512 क्या होता है, 8 का क्यूब है, 8 8 64 64 को 8 से करोगे 512 आ जाएगा, और 729 किसका है, 9 का। तो आपका जवाब आ जाएगा 8:9, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। व्हाट विल बी इनवर्स रेशियो ऑफ 17:19, कह रहा है कि इनवर्स रेशियो बोलो। तो आप जानते हो कभी भी आपसे पूछा जाता है इनवर्स रेशियो, तो जस्ट चेंज द फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करो तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले को नीचे, नीचे यानी फर्स्ट को सेकेंड करो, सेकेंड को फर्स्ट। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 19:17, दिस इज करेक्ट आंसर। इनवर्स रेशियो 17:19 क्या बनेगा, 19:17, दिस इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, फाइंड द कंपाउंड रेशियो। जब भी आपसे पूछा जाता है कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो का मतलब है जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द गिवन रेशियो, जितने भी रेशियो गिवन है आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट कंपाउंड रेशियो। तो हमें दिया गया है 2/7 फर्स्ट रेशियो मल्टीप्लाई 5:3, डेट इज 5/3, अगेन 4:7, डेट इज 4/7। अब आप जानते हो अगर एनी न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है तो काटो, वरना आप मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 × 4, और नीचे मिलेगा आपको 7 × 3 × 7, यू विल गेट 5 × 4 = 20, 2 = 40, और नीचे आपको मिलेगा 7 × 3 = 21, 21 को 7 से करोगे 147। तो आंसर क्या आ गया, 40:147। तो ऐसा ऑप्शन कौन है, बी। तो आपका राइट आंसर आ गया, बी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 12th है, a 4a = 5b एंड 7b = 9c, देन फाइंड a ratio b ratio। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलत करते हैं। चलो चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने का इसी तरीका क्या है। आप जानते हैं 4a = 5b, तो आप सिंपली लिख सकते हैं a/b, क्या मिलेगा, a/b, a/b मिलेगा आपको 5/4। इसी तरह से 7b 9c है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं b/c, क्या मिलेगा 9/7। अब आपको ये दो रेशियो मिल गया। अब आप जानते हैं a ratio b ratio c का हमने ट्रिक बताया है। a ratio b क्या है, 5:4, तो आपने लिख दिया 5:4 और ये गैप है 4 की साइड, तो यहाँ 4 लिखो। bc का रेशियो 9:7 है, तो ये 9 है और ये 7, ये गैप है, आप 9 लिखो। 9 5 जाके आ जाएगा 45, 9 4 = 36, 7 4 = 28। आपका रेशियो आ गया 45:36:28, यानी आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या है कि आप गिवन रेशियो से सिंपल रेशियो बनाओ, गिवन रेशियो से पहले सिंपल रेशियो बनाओ, a/b b/c, a ratio b 5:4, b ratio c 9:7। अब जैसे आपने सीखा है स्टार्टिंग में a ratio b ratio c, अब फाइंड करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इफ 30% of a = 20% of b, देन फाइंड ए रेशियो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट के बनाए हैं, शॉर्ट के जो वीडियोस हैं हमारी आप जाके देखना, शॉर्ट के अंदर बहुत सारे, लगभग हमने 250 शॉर्ट के बनाए हैं। इसमें सारे ये छोटे छोटे जो बेसिक पॉइंट्स है इसको हमने क्लियर किया है, तो आप उसको भी देखो शॉर्ट को। और जो बच्चे अभी तक यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे आपको
टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ और क्वांटिटी एप्टीट्यूड फॉर ऑल कॉम्प एग्जाम्स की क्लासेस की वीडियोस आपको मिलेगी, और इसके बाद एनडीए नेवी एसएसआर की भी आपको वीडियोस मिलेगी। और जो बच्चे ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास लेना चाहते हैं जूम पर वन टू वन, वो बच्चे भी क्लास ले सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है या मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री मैथमेटिक्स क्लास लेनी है तो डायरेक्ट केवल आपको यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और आप लगातार विदाउट एनी फी आप क्लास ले सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है 30% ऑफ ए, तो आप जानते हो 30% का मतलब होता है 30/100 ऑफ मल्टीप्लाई है ए, और गिवन क्या है 20% यानी 20/100 ऑफ मल्टीप्लाई इनटू बी। अब आपसे पूछा ए रेशियो, आप जानते हो ट्रिक बता चुका हूं, नीचे नीचे आप कैंसिल कर सकते हो, जीरो को जीरो से काट सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा ए अपॉन बी इक्वल टू क्या मिलेगा 2, और ये 3 आ जाएगा नीचे 2/3 यानी 2:3। तो ए रेशियो बी क्या है 2:3, डेट इज डी इज करेक्ट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल ये ट्रिक का यूज कर सकते हो। वैसे ये मुजवानी क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट परसेंट से परसेंट काट सकते हैं, जीरो से जीरो काट सकते हो, और ए बाई बी है तो बी इधर आएगा और थ्री इस साइड आएगा, 2/3 2:3। आप देख के भी ऐसे क्वेश्चन का जवाब बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन आपका है काफी इंपॉर्टेंट और ये अच्छा क्वेश्चन है कि पी रेशियो की रेशियो आर 2:3:4 फाइंड पी बाई क्यू क्यू बाई आर एंड आर बाई पी। ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है कि आपने ये सीखा है कभी भी रेशियो में हो तो इसका मतलब क्या है कि P आपका हो जाएगा 2x, Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x और R की वैल्यू हो जाएगी 4x। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ P by Q and Q by R and R by P। अब आप जानते हैं P by Q का मतलब क्या है 2x upon 3x और ये दिया गया रेशियो, क्या है ये रेशियो, तो ये रेशियो दिया गया हमें, तो आपने 2x/3x लिखा, अगेन रेशियो q by r, तो q आपका क्या है 3x और ये आपका जाएगा 4x, फिर आपका रेशियो क्या है r by, और नेक्स्ट रेशियो क्या है r by p है तो r आपके पास क्या है 4x और p क्या है 2x। आप x को x से कैंसिल कर सकते हो और 2 2 जाके आ जाएगा 4, यानी फाइनली आपको ये रिलेशन क्या मिलेगा 2/3, रेशियो दिया गया 3/4 और ये रेशियो आ जाएगा 2/1। ट्रिक कहता है कभी भी ऐसा आ जाए तो जो नीचे वाला है 3/4/1 आप इसके एलसीएम से इस रेशियो को मल्टीप्लाई करो, 3/4 का एलसीएम 12 आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 × 12/3, अगेन रेशियो 3 × 12/4, अगेन रेशियो 2 × 12/1, तो 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, ये आपका जाएगा 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 12 × 2 = 24, तो 8 9 2 4, 8:9:24 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर ए इज राइट। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि इफ ए इक्वल टू 1/4b, बी इक्वल टू 1/2c, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो। यहाँ भी ट्रिक कहता है कि आप पहले यहां से सिंपल रिलेशन निकाल, क्या होगा ए अपॉन बी इक्वल टू क्या बनेगा 1/4। इसी तरह से आप देखोगे दूसरे वाले से भी एक सिंपल रिलेशन निकालो, ये क्या मिलेगा b अपॉन c इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2। अब आप देखोगे a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b 1:4 है तो 1:4, c का खाली है तो आप 4 लिखो, अगेन b और c का रेशियो क्या है 1:2, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 और ये खाली है तो 1 लिख। अब ये 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 2 जाए, तो क्या आ गया 1 4 8, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन आ गया 1 4 8। इसके बाद आपको जानना है 16 के अंदर आप देखोगे 0.8 है, 0.09
तो यहां से भी आप देखोगे कि आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन b दिस इक्वल टू 0.09 अपॉन में आ जाएगा आपका 0.8। अब ट्रिक क्या कहता है कि अगर आप इस पॉइंट को हटाते इससे क्या होगा, दो जीरो नीचे आएगा, इस पॉइंट को हटाते हो तो क्या होगा, एक दस जाएगा और फाइनली क्या मिला, 009। तो आप लिख सकते हैं 9 × 10, ये क्या मिला 08। तो आप लिख सकते हैं सिंपली 8 × 100, 0 से 0 कैंसिल है तो आपको क्या मिला 9/80, दैट इज 9:80, 9:80 इज करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है 17। If 1/x = 1/y = 2, 3, 5, then find the values. अब आप जानते हो जो आपने सीखा है कि that is 1/x ratio दे रखा आपका 1/y, ratio दे रखा आपका 1/z, 2:3:5। तो आप जानते हो कि 1/x को आप क्या लिख सकते हो, 2k, और 1/y को क्या लिख सकते हो, 3k। सिमिलरली 1/z को क्या लिख सकते हो, 1/z को आप लिख सकते हो 5, राइट। अब आप देखोगे कि पूछा क्या गया x y z, तो x को क्या लिख सकते हो 1/2k, y को क्या लिख सकते हो 1/3k, और z को क्या लिख सकते हो 1/5। अब आप देखोगे कि अगर हमारे पास ये रेशियो है x रेशियो y रेशियो z, ये हमारा है 1/2k, ये आपका है 1/3k, और ये हमारा है 1/5k। k कैंसिल आउट, 2, 3, 5 कैल्सियम क्या आएगा 30, तो 30 से आप इसे मल्टीप्लाई कर, 1 × 30/2, 1 × 30/3 एंड 1 × 30/5, तो क्या मिलेगा 15:10:6। अगर ये कटता है तो काट दो, तो ये कैंसिल है, 15:10:6, तो 15:10:6 आपका आंसर राइट है, सो डी इज करेक्ट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुजवानी भी कर सकते हो, 1/x, 1/y, 1/z दिस है, तो x y z होगा 1/2, 1/3, 1/5, 1/2, 1/3, 1/5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर, ये सारे की जरूरत नहीं, वो आपको समझाने के लिए बता, मतलब डायरेक्ट यहीं से 1/x, 1/y, 1/z, 2, 3, 5, तो x y z क्या होगा 1/2, 1/3, 1/5, ये पोर्शन आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो 2, 3, 5 के एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 15:10:6, दिस इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 क्वेश्चन क्या है आपका, इफ a बाय 3 इक्वल टू b बाय 8 देन a प्लस 3 रेशियो b प्लस 8 क्या होगा। तो आपने सीखा है कि अगर हमें कोई रेशियो दिया हो, यानी a बाय 3 क्या है b बाय 8, तो आप लिख सकते हो a अपॉन b इक्वल टू 3/8, राइट। इससे क्या हुआ, a की वैल्यू आ गई आपकी 3k एंड b की वैल्यू आ गई आपकी 8k। अब आप जानते हो a प्लस 3 और रेशियो दे रखा है, यानी a प्लस 3 अपॉन में b प्लस 8, ये हमें फाइंड करना है। a आपका है 3k, तो 3k प्लस 3 एंड बी आपका क्या है 8k, सो 8k प्लस में 8। नाउ टेक 3 कॉमन, तो क्या जाएगा 3 × k + 1 और 8 × k + 1, दिस इज कैंसिल आउट, तो 3/8 को क्या लिख सकते हो 3:8, सो आवर आंसर इज 3:8 इज करेक्ट आंसर, सो बी इज ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है 19, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। a प्लस बी रेशियो a माइनस बी 5:3 है, अगर आप फाइंड करोगे तो ट्रिक कहता है कि अगर a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज 5/3, दैट मीन्स a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 3। तो अगर दो, ये ट्रिक बता रखा हमने कि अगर दो नंबर का सम गिवेन हो और दो नंबर का डिफरेंस गिवेन,
ग्रेटर नंबर यहाँ क्या है, ए, और स्मॉलर है बी। तो ग्रेटर नंबर ए क्या होगा, सम ऑफ ऑफ सम एंड डिफरेंस, यानी सम आपका 5 है, डिफरेंस 3, और डिवाइड करो 2 से तो क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से स्मॉलर नंबर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस, डेट मीन्स 5 माइनस 3, इसको भी 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया आपका 1। तो ए आपका 4 है और बी आपका 1। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर, ए इज व्हाट, 4, सो दिस इज 16, बी स्क्वायर इज व्हाट, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 16 माइनस 1। नाउ यू विल गेट, क्या मिलेगा हमें, 17 अपॉन 15। तो आवर आंसर इज, यानी मेरा आंसर क्या आ गया, 17:15 इज करेक्ट आंसर, सो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, डिवाइड 2000 इन ए रेशियो बी रेशियो सी इन द रेशियो ऑफ 5:2, यानी कि हमें कह रहा डिवाइड 2000 इन ए बी सी, आप कॉमा मानो, ए बी सी, डिवाइड 2000 ए बी, 2000 को ए बी सी में डिवाइड करो, किस रेशियो में, 5:3। तो ट्रिक क्या कहता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप देखोगे कि ए का पार्ट क्या होगा, तो ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ए फर्स्ट है तो आपने 5 ले लिया, नीचे क्या आ जाएगा, सम ऑफ दिस, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 5 + 2 = 7 + 3 = 10, सो 5/10 मल्टीप्लाई में क्या आ गया आपका 2000, 0 कैंसिल है, 5 × 2 = 10, 1000। अगर आपको b फाइंड करना है तो b है 2, फिर अगेन 2 अपॉन में सम ऑफ द रेशियो, क्या आ गया आपका 10, और मल्टीप्लाई में क्या है, टोटल 2000, 0 कैंसिल, दिस इज 400। अगेन आप देखोगे c क्या है, 3, ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन में सम ऑफ रेशियोज इनटू में सम, जिसको डिवाइड करना है, अगेन 0 कैंसिल, दिस इज 600। आप देखोगे ऐड करके, अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2000, यानी आपने 2000 को डिवाइड कर दिया ए बी सी के अंदर। तो ये था आज का बिल्कुल ट्रिकी एंड बेसिक क्वेश्चन, थे किसके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जिसकी जरूरत है जिन्हें, उसको शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स की सारी क्लासेस, बेसिक टू ट्रिकी एंड अप लेवल की क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एनडीए है तो एनडीए की प्ले लिस्ट को देखो, अगर आप क्लास 11-12 में तो उसकी प्ले लिस्ट को देखो, अगर आप 10th क्लास में उसकी प्ले लिस्ट देखो, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे SSC या आर्मी किसी भी क्लास कर रहे हो, तो जो हमारे SSC जनरल एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस है उसको आप देख सकते हो, प्लस हमारे लगभग 250 शॉर्ट वीडियोज हैं ट्रिकी मैथ्स के, आप उनको देख सकते हो, जिसमें बिल्कुल बेसिक पॉइंट को क्लियर किया गया, बेसिक क्वेश्चन है, शॉर्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि मोस्टली स्टूडेंट तक पहुंचे और मोस्टली बच्चे उसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।